पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित रही, वहीं इस वर्ष इस यात्रा में लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में बड़ी संख्या में कांवड़िया यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर अयोध्या में भी लाखों कांवड़िया पहुंचे हैं और सरयू नदी में स्नान कर विधि विधान पूर्वक कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। तो वहीं इस यात्रा को लेकर जगह जगह पर तैनात पुलिस के अधिकारी कांवड़ियों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान आस्था में मग्न शिव भक्त कांवड़िया बोलबम के साथ योगी मोदी के भी नारे लगा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से प्रारंभ हो रही इस यात्रा में अयोध्या के साथ बस्ती, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर समेत अन्य जनपदों से भी लाखों कांवड़िये पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पूरी अयोध्या को 7 जोन व 25 सेक्टर में बांटा गया है। अयोध्या के DSP राजेश तिवारी ने बताया कि कांवड़ियों को देखते हुए अयोध्या को कई सेक्टर व जोन में बांट दिया गया है। सभी सेक्टर में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को रखा गया है। जैसा कि लोग सबसे पहले सरयू नदी पर स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद नागेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सरयू घाट की सुरक्षा व्यवस्था अलग से रखी गई है। साथ ही सभी मंदिरों को अलग अलग सेक्टरों में भी बांट दिया गया है। अलग अलग प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। कावड़ साउंड मेले को देखते हुए कावड़ियों को, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या परिषद को पूरे कई जोन कई सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर भारी सेक्टर रैंक के अधिकारी को रखा गया है यहाँ पे। और जैसा कि सबसे पहले लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सरयू नदी पे जल में स्नान कर रहे हैं, इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, इसके बाद अन्य मंदिरों में हनुमानगढ़ी आदि भी आज दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सरयू घाट की व्यवस्था अलग की अलग जोन के तहत रखी गई है। सारे मंदिरों को अलग सेक्टर में बांटा गया है, उनकी अलग आउटर और इनर गार्डन की अलग अलग सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पे रूट डायवर्जन भी किया गया है। जैसा कि लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हाईवे को के लेफ्ट साइड को हम लोगों ने पूरी तरीके से जो अयोध्या शहर में पड़ता है उसको हम लोगों ने कांवड़ियों के चित्र रखा हुआ है, क्योंकि पैदल चल रहा है किसी प्रकार से न होने पाए, किसी संभावना को देखते हुए हम लोगों ने उसको कांवड़ियों के चित्र रखा हुआ है। साथ ही साथ दोनों हाईवे वाहन का डायवर्जन किया गया है और जो छोटे वाहन हैं वो दोनों एक ही लेन पर चलाए जा रहे हैं। देखिए हाईवे जो कांवड़िए आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने किया हुआ है लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हाईवे के बस लेफ्ट साइड को पूर्व तक कांवड़ियों के लिए